नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है अशोक वानखड़े बोलता है। सत्य कहां डोला? सत्य राजस्थान में डोला। सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, बागी नेता, युवा राजनीतिज्ञ, पायलट साहब के साहबजादे, राहुल गांधी के एक समय के मित्र, प्रियंका के कोटरी के सदस्य, इन्होंने घोषणा की कि वो जल्द ही सरकार के खिलाफ धरने पे एक दिन उपोषण पे बैठेंगे, क्योंकि सरकार ने मेरी अध्यक्षता में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने तब किसी भी बात पे जो वादे किए थे उस वादों पे वो खरी नहीं उतरी। उनका सारा आरोप यह है कि वसुंधरा राजे के कुकर्मों का पाढ़ा जो हम रोज सुना रहे थे जनता को चुनाव के पहले, ये कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद किसी भी हालत में वसुंधरा के खिलाफ जो हम आरोप लगा रहे उनकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हम 5 साल अशोक गहलोत साहब बैठे रहे, मैं बीच बीच में पत्र लिखता रहा, हाईकमान के सामने ये बात बोलता रहा, लेकिन गहलोत जी वसुंधरा जी को लेके चुपचाप बैठे रहे। और यही कारण है कि हम अब अनशन पे बैठने के लिए मजबूर हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये मेरे हिसाब से सत्य इसलिए डोलता है क्योंकि यदि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी थी तो ये सिर्फ वसुंधरा का ही भ्रष्टाचार नहीं, उसके बाद भी कई भ्रष्टाचार के आरोप अशोक गहलोत सरकार पे भी लगे थे। और तब सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने एक साफ सुथरी सरकार देने का भी वादा किया था। तो जब ये वादा उन्होंने किया तो उस वादे के अनुसार भी उन्हें सभी भ्रष्टाचार के मामलों को इंक्वायरी करने के लिए प्रेशर डालना था। लेकिन वो वसुंधरा का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीति है? वो बार बार ये आरोप लगाते हैं, या राजस्थान में ये भैरव सिंह शेखावत के समय से एक प्रचलन रहा है कि जब मुख्यमंत्री को आरोप लगाना होता है तो वो हमेशा विरोधी पक्ष के किसी बड़े नेता के साथ सांठगांठ का आरोप उन पर लगता है। अशोक गहलोत का और वसुंधरा राजे का सांठगांठ का आरोप ये आज नया नहीं है, कई बार उनके ऊपर लगा है। बीच बीच में वसुंधरा जी भी तीर चलाती है अशोक गहलोत के सरकार पे, अशोक गहलोत भी तीखे जवाब देते हैं, लेकिन लगातार परसेप्शन यही बनाया जा रहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी एक है, एक दूसरे को संभालते हैं। और ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जिससे लगता है कि वो आरोप भी इतने छोटे नहीं है। लेकिन फिर इतने बोल्डली वसुंधरा को लेके ही क्यों नाराज है सचिन पायलट? सचिन पायलट जो पहली बार विद्रोह कर गए थे तो वो विद्रोह अधूरा रह गया, वो एक अबॉर्शन था। उस विद्रोह का गर्भपात इसलिए हुआ था कि सचिन पायलट के पास वो आंकड़ा ही पूरा नहीं हो पाया जिसके बलबूते पे उस सरकार को गिरा देते। भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि उनका कोई साथ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सचिन पायलट का अपने तमाम विधायकों के साथ आके डेरा डालना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनका मिलना, और तमाम वहां उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे, जो इंचार्ज हुआ करते थे राजस्थान के, उनसे भी जब बात होती है तो सभी के पास करीब करीब ये पुख्ता सबूत थे कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। जो दांव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में खेला, वही दाव वो राजस्थान में खेलना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पे कमलनाथ जो कच्चे खिलाड़ी साबित हुए, या ये कहे कि दिग्विजय ये होने देना चाहते थे, सिंधिया को पार्टी से निकालना ही था, तो उन्होंने कमलनाथ की सरकार शहीद करवा कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनवा दी। और जो उनके बेटे के लिए आने वाले समय में प्रतिद्वंदी साबित होते, वो ज्योतिरादित्य पार्टी से ही बाहर हो गए। लेकिन राजस्थान में
सामने अशोक गहलोत थे जो कमलनाथ नहीं थे, वो उनसे भी ज्यादा तेज थे। उन्होंने उनके भी लोग तोड़ लिए और अंत में आंकड़ा पूरा नहीं होने की वजह से सचिन पायलट को पीछे हटना पड़ा और फिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि इसमें कई कांग्रेस के बड़े नेता थे जिनकी हवा थी सचिन पायलट को, उन सभी ने बीच बचाव कर सचिन पायलट को संतान जनक वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी के दृढ़ निश्चय के चलते ना सचिन पायलट मंत्री बन पाए ना किसी पोस्ट पे वापस आ पाए। बीच बीच में प्रियंका जी के आशीर्वाद से वो अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए जरूर जाते, वो अपनी नजदीकियां बढ़ाते। इसी बीच जब अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना तय हुआ था, फिर सचिन पायलट ने जल्दीबाजी में जो गेम हुआ और उसके बाद अशोक गहलोत का नामांकन तो से तो हट गए लेकिन मुख्यमंत्री पद बरकरार रखा और सचिन के पायलट के हाथ से वो भी चांस गया। सचिन पायलट कहीं ना कहीं किसी ना किसी शायद ऑब्लिगेशन के तहत है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए सचिन पायलट का इस अनशन पर बैठना भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े समस्याओं का निदान करती है। एक, अशोक गहलोत के खिलाफ उसी के बड़े नेता जब अनशन पे बैठेंगे तो पार्टी बदनाम होगी, तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर होगा, ये बीजेपी जानती है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में वसुंधरा राजे बहुत हेवी वेट है। ये वो नेत्री है जो अभी तक दिल्ली के तख्त के सामने झुकी नहीं और उसका वजूद राजस्थान में बरकरार है। उसके बलन का कोई नेता राजस्थान में फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी हालत में वसुंधरा को वापस लाना नहीं चाहती और वसुंधरा किसी हालत में किसी और को पनपने देना नहीं चाहती। ऐसे में वसुंधरा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सचिन पायलट से लगवा के भारतीय जनता पार्टी का वो भी एक मसला हल होता है जिसमें वसुंधरा को भ्रष्ट वो साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन नेता भ्रष्ट हो, नेता व्यभिचारी हो, जब जनता के बीच में चुनाव जीत के आता है तो फिर उसके हम क्या कहें। फिर जनता जनार्दन की अदालत में यदि वसुंधरा फिर पूरी ताकत के साथ वापस आती है या विधायक जो वसुंधरा के गुट के होंगे उनके टिकटें मिलती हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिलती वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में ये चलन है और ये भैरव सिंह शेखावत के समय से है। सरकार अल्पमत में होती है और इंडिपेंडेंट के भरोसे होती है, वो इंडिपेंडेंट कोई नहीं, उसी मुख्यमंत्री के चेले होते हैं जो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं। वर्तमान में अशोक गहलोत के ही चेले हैं जो चुनाव लड़े और सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने यदि वसुंधरा के लोगों को टिकट नहीं दिया तो वसुंधरा राजे अपने ही लोगों को इंडिपेंडेंट चुनाव जीतवा के, क्योंकि वो चुनाव जीतवाने की क्षमता रखती है, चुनाव जीतवा के यदि वो वापस लाती है और फिर उस इंडिपेंडेंट के भरोसे मुख्यमंत्री तय होता है तो फिर वसुंधरा की लॉटरी रख सकती है या फिर अशोक गहलोत की लॉटरी वो लगवा सकती है। कुल मिला के जिस स्थिति में सचिन पायलट है उनके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन पहले से लिया है उसका रिजल्ट उनको देना है, इसलिए विरोध करना अशोक गहलोत को और वसुंधरा का जरूरी है। रही भ्रष्टाचार की बात, यदि वो तमाम भ्रष्टाचार के कारणों से लड़ना चाहते थे तो लगता था फिर वो सत्य बोल रहे हैं, वो सिर्फ वसुंधरा के भ्रष्टाचार को बात करते हैं और अपने वादे की बात करते हैं। वादा तो बहुत ही ईमानदारी का प्रशासन देने का भी था, जो बहुत सारी बेईमानियां सामने आती है उसके बारे में वो मौन है। फिर दूसरी ओर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और कल जयराम रमेश जो जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज है उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोक हित के निर्णय ले रही है, अच्छी नीतियां लागू की है और उस सरकार आने वाले समय में चुनाव जीतवा के दिखाएगी। ये वक्तव्य केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत के पीछे खड़ा है इसको रेखांकित करते हैं। आज दूसरे स्पोक्स पर्सन जो थे पार्टी के, उन्होंने कहा कि यदि सचिन जी कहते हैं कि इंक्वायरी नहीं होती है तो भय तो शेखावत के खिलाफ जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है उनको खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी तो उसके भी चल रही है जो सरकार गिराने का जिन्होंने प्रयास किया था। इनडायरेक्टली उन्होंने सचिन को बोला कि इंक्वायरी आपके भी खिलाफ चल रही है, सरकार इंक्वायरी कर रही है।
आने वाला समय बताएगा कि ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है या सचिन फिर कोई तीसरा फ्रंट खोलने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी दूर से देख रही है कि राजस्थान में सचिन के भरोसे वो ताकत के साथ उतर सकती है। कई राजनीतिक दांव पेच होंगे, लेकिन सचिन का ये कहना कि वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वादे पूरे नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं असत्य लगता है। वो असत्य बोला इसलिए, सत्य वहां डोला इसलिए अशोक वानखड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।